बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उस्मान हुसैन सिद्दीकी। व्यूअर्स से जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन कोटलिन वर्सेस जावा। टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। व्यूज़ जो कोटलिन वर्सेस जावा में अब आपको ट्यूटोरियल मैंने पहले काफ़ी एक्सप्लेन भी किए हैं। काफ़ी काफ़ी मैंने उसमें ट्यूटोरियल्स पहले से अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने ट्यूटोरियल्स अगर नहीं देखे तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्यूज़ इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताता चलूँ कि फर्स्ट जो वर्जन जो एंड्रॉयड का जो लॉन्च किया गया था वो था जावा कोड में। तो एंड्रॉयड के बाद एंड्रॉयड बेसिकली मुख्तलिफ फील्ड्स में दो कॉन्स्ट लैंग्वेजेस में इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट, एक है कोटलिन, जावा एक है कोटलिन। जावा जो फर्स्ट थी वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। इसमें मुख्तलिफ फीचर्स थे। जावा बेसिकली गेम डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होती है। तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस में मुख्तलिफ ऑफिसेस में आज भी देखा जाए तो जावा आजकल यूज़ हो रही है, लेकिन उसका जो मार्केट शेयर है बेसिकली बहुत कम है। इसके लिहाज से जो देखा जाए कोटलिन वो बेसिकली फुल फंक्शनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। उसमें मल्टीपल एक्सटेंशंस हैं। इसका जो जो कम्प्लेक्सिटी है वो एज़ कम्पेयर टू जावा बहुत कम है। अब जावा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी जो मार्केट रेशियो है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। उसकी मार्केट रेशियो कोटलिन के मुकाबले में थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन उसकी जो कॉन्सेप्ट जो उसका जो आजकल जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा कोटलिन के मुकाबले में फिर भी थोड़ा बेहतर है। अब जो मेन डिफरेंस की उस पर आ जाए, जो जावा है बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और जो कोटलिन है वो फुल फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसमें मल्टीपल एक्सटेंशन फुल फीचर्स में अवेलेबल्स हैं। और इसके अलावा हम देखा जाए तो कोटलिन उसमें जो साइज़ है कंपेयर टू जावा कोड का कम्प्लेक्सिटी वो बहुत कम है, लेकिन जो स्पीड के लिहाज से देखा जाए तो जावा एज़ कम्पेयर टू कोटलिन तो स्पीड उसकी ज़्यादा है। जो मार्केट रेशो शेयर्स की बात की जाए तो एज़ कम्पेयर टू कोटलिन जावा के 20% डाउन हुए हैं एज़ कम्पेयर टू कोटलिन। जावा में मुख्तलिफ फीचर्स भी हैं, एक्सटेंशन मल्टीपल एक्सटेंशन अब कोटलिन में अब इसमें कोटलिन में जो एक्सटेंशन है वो एज़ कम्पेयर टू जावा वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल्स हैं। एज़ कम्पेयर टू अब देखा जाए तो कोटलिन में अब iOS फीचर्स भी हैं, iOS एक्सटेंशन भी मल्टीपल एक्सटेंशन जो यूजली इजिली प्रेफर करें। अगर वह देखा जाए तो आजकल के कौन से लोग ज़्यादा फ्यूचर किसका है तो आजकल कोटलिन का जो फ्यूचर है वो एज़ कम्पेयर टू जावा बहुत ज़्यादा हाई है। उसका जो स्कोप है वो एज़ कम्पेयर टू जावा बहुत ज़्यादा एडवांस है। अब देखा जाए तो